गाजियाबाद में एक मामला सामने आ गया। पवन शर्मा 4 तारीख को घर से यह कहकर निकला था कि वे शाम को 3 बजे तक घर वापसी में आ जाएगा, लेकिन जब वह घर वापस नहीं आया तो उसकी पत्नी ने उसके मोबाइल पर फोन किया। वह फोन बंद आया। उसके बाद परिवार थाना कवि नगर पहुंचा। उसके साथ पुलिस ने टाल मटोल की और उसके बाद वही हुआ जो गौतम बुद्ध नगर के गौरव चंदेल के साथ हुआ था। पवन शर्मा का शव पास के जिले हापुड़ में मिला और उसका लवारिस में अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजन आज इस बात से परेशान है, लापता व्यक्ति ना तो मिला और ना ही उसके अंतिम दर्शन कर पाए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत शर्मा है जी। जगत जी, क्या हुआ पवन के साथ, क्या है पूरा मामला? जी, पवन शर्मा जी के साथ 4 तारीख से लापता थे। 4 तारीख को हमने 5 तारीख की रात को 5 तारीख को हमने सुबह गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। कहाँ, कौन से थाने में? कविनगर थाना में, थाना कविनगर में गुमशुदगी की एफआईआर लिखवाई थी। पवन कहाँ रहते थे? पवन आपका गोविंदपुरम बालाजी जिले में, गोविंदपुरम में बालाजी जिले में रहते थे। क्या काम करते थे पवन जी? वो दिल्ली में गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्टर थे। क्या हुआ उनके साथ पूरा? उनके साथ जी, वो 5 तारीख से हमने गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाई, तब से 4 तारीख को घर से गए थे, उसके बाद वापस नहीं लौटे। हमने 5 तारीख को कविनगर थाना में एफआईआर दर्ज करवाई, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक हम रोज थाने के सुबह से लेकर रात तक चक्कर काटते रहते थे। जैसे आईओ साहब कहते थे वैसे ही करते रहे, और हमें इसके अंदर पूरी की पूरी पुलिस की लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि हमारे पास अब तक डेड बॉडी तक नहीं मिली है। पवन का कहाँ डेड बॉडी मिली? वो अपने परिवार के अकेले करता धरता थे, पूरा परिवार उनके पीछे बैठा हुआ है जिसको उन्होंने छोड़ के चले गए हैं। पवन की जो डेड बॉडी थी कहाँ मिली थी और किस हालत में मिली? उनकी बॉडी संभावली क्षेत्र से मिली है, वो भी हमारे अपने पर्सनल लिंक की तरफ से फोटो आई है। हापुड़ ना तो हापुड़ चुंगी से हमें कोई हापुड़ पुलिस थाने से कोई रिपोर्ट मिली है, ना कहीं से कोई रिपोर्ट मिली है। तो बॉडी तक भी उन्होंने बॉडी का भी दाह संस्कार कर दिया है लावारिस में, लावारिस में गुमशुदगी उसमें। तो इस संबंध में आला अधिकारियों से बातचीत की आपने? हमने सबसे बातचीत करी है, वो हमसे कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हो रही है भाई साहब, 10 दिन से हम लोग आदमी को 5-7 दिन हो गए। आपको कब मालूम चला कि बॉडी वहाँ? हम खुद हम थाना हापुड़ जा रहे थे, बीच रास्ते हमारे अपने सूत्रों के थ्रू हमें हमारे पास व्हाट्सएप पे रिपोर्ट आती है कि ये फोटो गुमशुदगी की रिपोर्ट संभावली थाना में मिली है, ये क्या आपका आदमी है? तो हमें पता चला हमारा ही आदमी है। तो संभावली आप गए होंगे? हम संभावली गए, वहाँ पे भी पहले हम हापुड़ गए, वहाँ पे भी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी, जबकि हापुड़ थाना पे इसकी सारी जानकारी मौजूद थी। और जब हम संभावली गए, संभावली में हमें ये बताया गया कि ये जो मौत है, जो इसकी हत्या करी गई है, गला दबा के हत्या करके फिर इनको बॉडी को नहर में डाला गया है। तो इसमें पूरी की पूरी रिपोर्ट, अगर आपकी हापुड़ में हत्या हुई है तो हापुड़ की जांच, उस हत्या की जांच क्यों नहीं करी गई, उससे पहले क्यों बॉडी जला दी गई संभावली थाना में? ये सबसे बड़ी, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस की दिख रही है। हम एसएचओ साहब से मिले, हमें कोई कार्रवाई का कोई वो नहीं मिला। वो हमसे कह रहे हैं कार्रवाई, क्या कार्रवाई हो रही है? हमें इसी उसमें एसएसपी साहब से मिलना है, हमें मुख्यमंत्री योगी जी से मिलना है, और इसमें इसकी पूरे परिवार की सहायता होनी चाहिए इस चीज के लिए। और जो भी हत्यारे हैं उनका नहीं तो उसके अगेंस्ट फिर हमें पब्लिक के थ्रू हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो पब्लिक कर सकती है। चौबीस घंटे के अंदर केस पे कार्रवाई चाहिए। परिजनों का मानना है अगर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती तो शायद कम से कम पवन शर्मा का पार्थिव शरीर उनको देखने को मिल जाता, लेकिन पुलिस का दावा है कि उन्होंने अपनी तमाम टीमें पवन शर्मा के कातिल के लिए लगा रखी है। मतलब पवन जी कब गायब हुए थे, आपको कैसे मालूम चला इस घटना का? 4 तारीख से गए हुए। कहाँ से गए थे? घर से गए। कहाँ रहते हैं आप? बालाजी एनक्लेव रहते हैं जी मेरे। 4 तारीख को बोल के गए कि 3 बजे तक आ जाएंगे, पर उसके बाद ना उनसे कोई बात हुई और ना भी हुआ। आज 10 दिन हो गए, कुछ नहीं पता। आपने कविनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज? हाँ, थाने में रिपोर्ट कराई थी, एफआईआर कराई थी संडे को, पर पुलिस वालों को यही हो रहा था सुबह आओ शाम को आओ, सुबह आओ शाम को आओ, हुआ कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया। आप कैसे मालूम चला कि ये संभावली में ये चीज़? आज ही लोग गए थे इनके घर के, जो हमारे जिया जी के भाई लोग हैं सब लोग वो गए थे, शायद जो मिश्रा है वो इंस्पेक्टर उनके साथ ही है, कैसे मुझे ये तो नहीं पता, बट इन लोग को पता लगा है कि वहाँ पे कोई डेड बॉडी मिली है 4-5 तारीख को, शायद 5-6 तारीख को। तो बॉडी आपको हैंड ओवर हुई थी? नहीं, हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ कपड़े मिले हैं उनके, कपड़े मिले। क्या लगता है कि पुलिस की लापरवाही इसमें रही थी? पता नहीं, कुछ भी, सुबह शाम रात दिन यही होता था, कल पता लगेगा, पर कुछ नहीं पता लगा। इस घटना को लेकर मृतक पवन शर्मा के परिजन व पड़ोसी एसएसपी आवास पहुंचे, एसएसपी ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। सर, एक पवन शर्मा नाम का आदमी लापता हुआ था, उसकी बॉडी मिली थी, क्या पुलिस के पास जानकारी? ये पवन शर्मा नाम के व्यक्ति हैं, थाना कवि नगर क्षेत्र के रहने वाले। 5 तारीख को इनके परिवारिक जनों ने ये सूचना दी थी थाने पर आकर के कि एक दिन पूर्व यानी 4 तारीख को सायंकाल से लापता है, और उनकी सूचना पर थाने पर उनकी गुमशुदगी पंजीकृत की गई थी।
और जांच की जा रही थी, उनकी CDR सबका एनालिसिस किया जा रहा था। और इस दौरान आज ये ज्ञात हुआ है कि उनकी जो डेड बॉडी है वो सिंभावली थाना क्षेत्र में मिली थी, और 6 तारीख को उसी को लेकर के हमारी टीम रवाना है। हम लोगों के द्वारा 160 धाराओं में इसको पंजीकृत किया गया है, वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं, शीघ्र ही हम अभियुक्तों की गिरफ्तारी करेंगे। सर, परिवार का ये कहना है कि जब वो थाने आए थे तो समुचित जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था, ये परिवारजन ने बताया है। अगर कोई भी इसमें हमें ऐसा लगता है कि इसका दोष है तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।